ओ भाई साहब, स्कूटर के लिए इतनी स्पीड, OMG। अगर प्रीमियम स्कूटर ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो एक ऐसे टू व्हीलर की जो कि रोड पे एक अलग ही अपीयरेंस दे दे, बिल्कुल ही यूनिक सा डिजाइन हो और परफॉर्मेंस में एक मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा तेज हो, तो ये है कीवे कंपनी का वीएसटे 300। नॉर्मल मोटरसाइकिल्स को ये स्कूटर हरा देता है क्योंकि इसके अंदर है 18.2 bhp का पावर जो कि 6,500 rpm पर ये दे देता है और 22 Nm of torque दे देता है 6,000 rpm पर। ये उन लोगों के लिए नहीं है स्कूटर जो कि आगे सिलेंडर या पानी की बोतल रखना चाहते हैं। एक बार और एक चीज़ दिखा दूँ कि ये कीलेस एंट्री के साथ है। ये इसकी की है जो हमेशा आपकी जेब में रहेगी, वो ये जेब के अंदर आ जाती है। की लगाने की इसकी जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा नोब है, इसमें ऐसे करके ये ऑफ होता है और जब पुश करोगे इसको तो सीट पे आ जाएगा। ये दो बटन तब काम करते हैं जब इस पे होगा और ऐसे कर दोगे तो इसका पुश करके इग्निशन ऑन हो जाता है। अब इसको यहाँ से एक बार स्पीड में लेके जाते हैं, देखते हैं कि ये रुकता है नहीं रुकता है अपनी ABS की मदद से। ये ओ भाई साहब, जो ABS जैसी जो चीज़ है ना इसके अंदर बहुत ही सही तरीके से काम कर रही है। अब लेके चलते हैं इसको रोड्स पे, एक्चुअल कंडीशन में इसको टेस्ट करते हैं कि ये है कैसा है एक्चुअली। अब मैं आ गया हूँ हाईवे पे, दूर दूर तक इसकी रेंज टेस्ट करेंगे, रेंज क्या स्पीड टेस्ट कर लेंगे। लेकिन एक अमेजिंग सी चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर, इसमें ना हीटेड ग्रिप है जो महंगी बाइकों में आती है। यहाँ देखना ये बटन ब्लिंक करेगा, जब मैं इसको दबाऊंगा तो रेड कलर का ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स कि अभी तक ये स्टार्ट नहीं है। अब ये जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये हीटेड ग्रिप दिखाएगा। ये है लो पे, जब ब्लू कलर की लाइट चल रही है ये हो जाएगा थोड़ा सा तेज, ये हो जाएगा और तेज, ये हो जाएगा और तेज, और ये हो जाएगा बिल्कुल मैक्सिमम सेटिंग पे। अब ग्रिप ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो सर्दियों में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी इस स्कूटर चलाने में, तो इसमें हीटेड ग्रिप्स हैं भाई, इतना बढ़िया फीचर है इसके अंदर, वाओ। यहाँ से इसका इनिशियल पिकअप देखते हैं, 0 पे हूँ मैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। भाई साहब ये क्या मशीन है, ये क्या बना दिया मैंने, तो 100 पे पहुंच गया ऐसे ही। अबे अभी तो थ्रोटल दिया था। ओए होए होए, एक स्कूटर के लिए इतनी स्पीड, OMG, वाओ, 115, अमेजिंग यार। थ्रोटल दिया है, स्पीड पकड़ी है इसने। अरे यार इसने तो दिमाग खराब कर दिया। वेरी गुड। ओए होए, 115 की स्पीड पे चला गया यार ये स्कूटर, मेरे को तो ना प्यार हो गया इससे। लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारे लोग ना प्राइस के हिसाब से भी देखते हैं कि भैया प्राइस कितना है, प्राइस इतना महंगा क्यों है। तो भाई देखो, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो आपको प्राइस भी तो ज़्यादा पे करने ही पड़ेंगे। देखा टर्निंग रेडियस कितना प्यारा सा ऐसे करके लीन एकदम से हो गया। यहाँ पे एक बार इसको हल्का सा भगा के देखता हूँ यार, क्लास है यार स्कूटर के अंदर, ये बात तो है। अब ना गाड़ियों के बीच में से निकाल के देखते हैं, वैसे काफ़ी रिस्की है लेकिन अपन लोग हेलमेट के साथ हैं, आप लोग मत करना। यहाँ से अगर मैं इस गाड़ी को जो कि ऑलरेडी चल रही होगी 70 पे, इस गाड़ी को पीछे करते हैं, अभी टैक्सी वाला ये भगाएगा, तो यहाँ से इस गाड़ी को पीछे करते हैं, देखना। ओ भाई साहब, बाय 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 बाय। ओए होए, वैसे मैंने रोक लिया, अभी मैंने मतलब थ्रॉटल कम कर दिया, लो पे आ गया ये। लेकिन जो आपको इनिशियल पिकअप इसका दिखाना था ना कि 115 की स्पीड पे स्कूटर पहुंच रहा है भाई, थ्रॉटल देते के साथ ही, अमेजिंग भाई अमेजिंग, मज़ा आ गया। अब ये जो स्कूटर है ना, ये नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं बना, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरी चीज़ है ये हाई परफॉर्मेंस और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। अभी देखो जैसे फ़ैन चल रहे हैं इसके अंदर, इसका इंजन ठंडा करने के लिए लिक्विड कूल्ड है, क्योंकि रेडिएटर वगैरह नीचे लगा होगा तो फ़ैन से ठंडा होता है ये, एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। स्पीड जैसे कि हम 115-114 पे पहुंच गए थे, थ्रॉटल दिया और यार 115-114 की स्पीड पे चला गया था, क्योंकि एरोडायनामिक्स भी अच्छी है स्कूटर की और जिस तरीके से मैं बैठा था ना, ये राइडिंग पोस्चर वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि अपराइट राइडिंग पोस्चर है। इस तरफ से दिखाओ अगर तो राइडिंग पोस्चर जो है वो अपराइट राइडिंग पोस्चर है, बिल्कुल ही सीधा बंदा बैठेगा इस पर ऐसे करके अगर वो बैठता है तो। काउच कर लोगे तो 116-119-120 तक भी जा सकते हो, अगर हाईवे है लंबा 120 तक की स्पीड ये स्कूटर पकड़ सकता है। एक चीज़ मुझे पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट लगी इसमें, वो क्या है कि जब मैं इसको अगर स्टार्ट करूँगा ना, ध्यान से देखना,
तो ये सिंगल सिलेंडर और हाई कंप्रेशन इंजन 11:1 का कंप्रेशन रेशो है इसके अंदर। सिंगल सिलेंडर होने की वजह से और हाई कंप्रेशन इंजन होने की वजह से भाग अच्छा रहा है, दौड़ अच्छा रहा है, टॉर्क बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है, ये जो है शीशे जो हिल रहे हैं इसके पूरे पूरे, और ये जो चीज़ है यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है, लेकिन जब ये चलेगा तब ये वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन खड़े में ये वाइब्रेशन है इसके अंदर। ये पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर कंपनी इस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ इम्प्रूव कर ले, एक अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ चला रहे हो आप रोड पे। अभी जब मैं रोड पे निकला था तो मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, देख रहे थे कि ये है कौन सा स्कूटर या क्या चीज़ है। तो गाइज ये जो है ना, ये है कीवे का व्यस्ते। एक कोशिश थी छोटा सा एक रन लेने की कि कितना पहुंच जाता है ये। देखो फ्यूल कंजम्पशन मत सोचना है कितना देती है, क्योंकि ये स्कूटर जो है 3.5 लाख रुपये का स्कूटर है, तो प्रीमियम कैटेगरी के लोगों के लिए स्कूटर है, जिनको लाइफस्टाइल स्कूटर चाहिए होते हैं, जिसको बोलते हैं मैक्सी स्कूटर। हमारी कोशिश थी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने की कि भागता कैसा है और हैंडलिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।